Hi guys, welcome to the new episode of our Thailand series. जैसा आप जानते हैं, हम पिछले एक हफ्ते से थाईलैंड में घूम रहे हैं, जगह जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो आज हम आए हैं बैंकॉक में। मैकडॉनल्ड्स में इंडिया में हम क्या खाते हैं? आलू टिक्की बर्गर खाते हैं, चिकन रैप खाते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि बैंकॉक का मैकडॉनल्ड्स कितना डिफरेंट है इंडिया के मैकडॉनल्ड्स से? तो चलो आज आपको दिखाते हैं बैंकॉक का मैकडॉनल्ड्स। लेट्स गो। भाई यहाँ का रोनाल्ड मैकडॉनल्ड्स भी नमस्ते कर रहा है। हमारे वहाँ स्कैरी पोज बना के बैठा रहा था, साला यहाँ नमस्ते कर रहा है। हमारे यहाँ आपने देखा होगा 10 बजे ही मैकडॉनल्ड्स बंद हो जाता है, यहाँ पे रात के 12 बजे तक तो खुला है, सुबह 7 बजे से लेकर। कमाल है यार। बेसिकली मैकडॉनल्ड्स यहाँ पर देख आशी किसी मॉल के साथ कनेक्टेड है, वहीं के वहीं मॉल का रास्ता भी है। यहाँ पर एक वेंडिंग मशीन भी है मैकडॉनल्ड्स की, जो कि इंडिया में भी अब कई जगह मौजूद है, जहाँ से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। यहाँ के मैकडॉनल्ड्स में मुझे दिख रहा है कर्ली फ्राइज, अनियन रिंग्स भी दिख रहे हैं, वो भी नहीं मिलता हमारे यहाँ। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। एक तो साला समझ में नहीं आ रहा, कुछ इंग्लिश में नहीं लिखा अक्षी। हाँ लिखा 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 है, बुरा बुरा बुरा। मेरे को मैक्सिमम डिशेज ना बीफ की दिख रही है। देखो मैक स्पाइसी चिकन बर्गर, ये चिकन आ गया, डबल चीज बर्गर सेट, बिग मैक्स, मैक सेट, मैक चिकन, फिले ऑफ फिश। एक्सक्यूज मी, इज देयर एनीथिंग इन वेज? नो वेज सॉरी। नो वेज सॉरी भाई, नथिंग इन वेज। अगर आपको खाना है तो आप चिकन खा सकते हो या तो आप बीफ खा सकते हो, लेकिन वेजिटेरियन कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ये डेजर्ट है बेसिकली यहाँ पर, पाइन एप्पल पाई, ये ट्राई कर लेंगे हम लोग। मस्त प्लान है। ओनली दिस, ओनली राइस या एंड वन पाइन एप्पल पाई। वन पाइन एप्पल पाई। क्यों थाई में गाली सुनी है तूने अभी? मुझे क्यों तोड़ा? मेरे बाप खाई भी नहीं। अगर हमारे यहाँ भी केचप ऐसे दी जाए तो यूज भी कम हो। देखो तीन तरह की सॉसेस हैं, अमेरिकन केचप, टोमेटो एंड चिली। प्लास्टिक का भी इतना कंजम्पशन नहीं होगा। चलो ये है 339 बात इन रुपीज, इट्स अबाउट 1000 रुपीज। बहुत पैसा है मेरे पास। आज ही मैं 25 करोड़ रुपए लेके निकला था मार्केट में। मेरा ऑर्डर नंबर है 150 और वहां पे मैं देख सकता हूँ कि 150 ऑर्डर नंबर प्रिपेयर हो रहा है। मेरा पीछा क्यों कर रही है? आजा केचप भी लेके आते हैं, आजा। तीनों डिप्स ले लेते हैं, अमेरिकन केचप भी, यहाँ की केचप भी। ये ज्यादा पानी वाली है, नहीं ये नहीं है, ये हमारी ये है। और ये चिली वाली भी ले लूं। सबसे पहले मेरे पास है खाओ खाओ खा पाओ चिकन, खाओ खाओ खा पाओ चिकन। कोई बिलीव करेगा देख कर कि ये मैकडॉनल्ड्स की डिश है। दिस इज स्टाइल ऑफ अ चिकन और हमारे पास स्टीम्ड राइस है। कि कर्ली फ्राइज बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट है वेस्टर्न कंट्रीज में। हल्की सी स्पाइसी होती है, देखो कैसा लग रहा है हमारे यहाँ की पेरी पेरी फ्राइज लग रही है कर्ली फॉर्म में। दो चीजें मैंने ऑर्डर करी है एज ए डेजर्ट, बॉल ऑय संडे, बॉल ऑय संडे। अब इन लोगों की पाइन एप्पल पाई कैसी दिखती है देखो, बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे मैकपफ जैसी, लेकिन ये यहाँ पर एक डेजर्ट है। बवाल चीज है वे। ये क्या था? पाओ पाओ चिकन। थोड़ा सा हम लेंगे ग्रेवी, थोड़े से लेंगे हम चावल, स्टीम्ड राइस। ओके दिस इज अ गुड डिश यार, अच्छा है। दूसरी चीज है चिकन और राइस का कॉम्बिनेशन, आई बिलीव एक अच्छा लंच ऑप्शन हो सकता है आपके लिए भी। तो थाईलैंड के मैकडॉनल्ड्स का मैंने क्रापा और चिकन तो पास कर दिया। और ये देखो इसके अंदर एक चिकन की पैटी है, फ्राइड चिकन की पैटी है, ये मेरे ख्याल से इंडिया में बिकता है फायरी चिकन के नाम से। अब इनका ट्राई करते हैं मैक स्पाइसी चिकन बर्गर। वही सेम पैटी, वही सेम सॉसेस और वही लेटेस्ट, सिर्फ बन का डिफरेंस है, वो रैप में लपेट कर देते हैं, चिकन में लपेट कर देते हैं। तो लाइक मतलब कंट्रोल से कंट्रोल भी है इसका टेस्ट, बिल्कुल सेम। चलो अब ट्राई करते हैं इनकी स्पाइसी कर्ली फ्राइज। कुछ भी स्पाइसी नहीं पसंद आपको, शक्ल से जितना ज्यादा फायरी और पेरी पेरी मतलब स्पाइसी वाला फ्लेवर इसका लगेगा ना, उतना ही फीका है। सिंपली एक फ्राइज है जिसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी कर दिया गया है, दैट्स इट। और कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है। ये क्या था? इसको खाने का हौसला मेरा नहीं हो रहा। बॉल बॉय संडे, ये बॉबा बॉल्स होंगी क्या? वही है। आपने अगर बॉबा टी ट्राई करी है तो उसके अंदर जो बॉबा बॉल्स होती है ना, ये वही है। अभी मान लो मैंगो को फ्रीज करके एक लेयरिंग बनाई हुई है और बड़ा ही बेसिक सा टेस्ट है, वनीला आइसक्रीम विद बॉबा बॉल्स, बस आप यही कॉम्बिनेशन समझ लो। तो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं। चलो अब ट्राई करते हैं पाइनएप्पल पाई। ये कैसा है? अंदर मेरे ख्याल से पाइनएप्पल स्टफ ही हुआ है। ये लिक्विड लिक्विड क्या है? देखो पाइनएप्पल सॉस
सेज होगी और बाहर फ्राइड होगा। कॉम्बिनेशन थोड़ा वियर्ड है, थोड़ा अटपटा है। पाइनएप्पल के साथ ये आउटर क्रस्ट इतना ज्यादा ब्लेंड नहीं हो रहा। दूसरी चीज, पाइनएप्पल ना इसमें मिक्स होने की वजह से थोड़ा सा खट्टा ज्यादा हो गया है, कड़वा कड़वा भी मेरे को टेस्ट कर रहा है। चीज काफी यूनिक है। अगर आपको भी ये देखकर मजा आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और आप मुझे ये देखकर बताओ कि भाई इंडिया में जो मिल रहा है वो इससे बेटर है या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी थाईलैंड की और वीडियोस भी फॉलो करते रहो, पेज को फॉलो सब्सक्राइब कर लो। थाईलैंड की और एक से एक वीडियो आने वाली है, आ भी चुकी है, पेज पर जाकर देखो। और मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर गाइस, बाय बाय।